आप नारेबाजी करने आए, तथ्य लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका है आपका। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। दिस प्ले कार्ड्स विल नॉट बी शोन, शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द हाउस। 12 सांसदों के निलंबन पर संग्राम। संसद के दोनों सदनों में कोहराम। बहुमत की बाहुबली दिखाने का आपके पास अवसर है। एक्शन इज टेकन, इट इज फाइनल। सरकार और विपक्ष में है खींचतान। हम लोग की सदस्यता भी चली जाए फिर भी हम लोग किसान मजदूर लोगों का आवाज उठाते रहेंगे। माफी वाला है सियासी घमासान। जब तक हमारा सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा और सरकार देश की जनता से माफी मांगे। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विरोध का खेल, कौन पास कौन फेल। जी हां, सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार 2 दिनों से संसद में बवाल जारी है। विपक्ष के विरोध की वजह से राज्यसभा में कामकाज ठप है। बच्चा बच्चा देश का आंखें बंद करके कह सकता है कि सदन की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। बात माफी पर अटकी हुई है। सरकार कह रही है कि अगर निलंबित सांसद माफी मांग ले तो निलंबन वापस हो जाएगा, लेकिन विपक्ष माफी नहीं मांगने पर अड़ा। आज कई सांसद हमारे साथ लाइव हल्ला बोल में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। This is not the way. These placards will not be shown. ये प्रजातंत्र है, ये कोई जमींदार बैठे नहीं है। आप नारेबाजी करने आए, तथ्य लेके आए यहाँ पर, ये गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है। What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. You don't want house to run. Crores of rupees are being spent on this house. संसद के दोनों सदनों में शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। मसला वही 12 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए जाने का है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी है, बाहुबली तक बता दिया है। जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो, नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। शीत सत्र के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में विपक्ष ने तख्तियां दिखाई और जमकर नारेबाजी की। बोल रहे हैं आप, उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं, क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? बारह सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष के तेवर गरम रहे। इफ यू आर डिटरमिंड, यू डोंट वांट टू हैव जीरो आवर, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। सदन के बाहर भी विपक्ष का विरोध रहा। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल ने ट्वीट किया, तानाशाही के खिलाफ हम गांधीवादी खड़े हैं और हम झुकेंगे नहीं। प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसद वहीं गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। गांधी प्रतिमा के सामने कुछ इस तरह से निलंबित सांसद विरोध कर रहे हैं और इनके समर्थन में सॉलिडारिटी में आए हैं जया बच्चन जी, उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे आप देखिए कि सॉलिडारिटी में कुछ आदान प्रदान, मिठाइयाँ और चॉकलेट और टॉफीज खाई जा रही है। पूरी एनर्जी चाहिए इन लोगों को मैम। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए एनर्जी। ये लोग तो बैठे हुए हैं, आप आए स्वीट्स लेके। स्वीट्स खाई जा रही है, मैं हमेशा देती हूँ स्वीट्स। कुछ तो कोई तो मीठा कुछ कहे। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक हमारा सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा और सरकार देश की जनता से माफी मांगे। हम लोग की सदस्यता भी चली जाए फिर भी हम लोग किसान मजदूर लोगों का आवाज उठाते रहेंगे। संसद में आए ही इसलिए हैं। 55 साल उम्र में आके सुना कि फांसी का फंदा लगा के प्रति की प्रतिबद्ध करने में, स्लोगान शाउट करने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंटरी होता। और हमने ये भी सुना जो टेबल में उठ के कुछ फेंकता है
उनको सस्पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। 12 सांसदों के निलंबन वापसी के लिए माफी की शर्त रखी गई है, लेकिन विपक्ष ने भी तय कर लिया है कि माफी का सवाल नहीं। माफीनामा नहीं होगा, हम उनसे विनती कर रहे हैं, जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए, सब मिलके देश के हित में, जनता के हित में काम करें। एक तरफ जो है वो जो संसद है, संसद की गरिमा के सम्मान की बात है, और दूसरी तरफ जो है वो संसदीय मूल्यों के अपमान की बात है। तो इन्हें तय करना होगा कि क्या संसदीय मूल्यों के अपमान, संसद की गरिमा के अपमान करने वाले लोगों को जस्टिफाई करेंगे आप। बैठक पर बैठके चल रही हैं, विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगी। सांसदों के निलंबन के बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार के खिलाफ लामबंद होने का मौका मिल गया है, मतलब एक बार फिर संसद में गतिरोध। तो क्या एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा? आज तक ब्यूरो। सवाल यही है कि क्या ये संसद सत्र भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ेगा? जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नासिर हुसैन साहब जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ विजय कुमार जेडीयू के सांसद भी जुड़ गए हैं। खास मेहमान अनिल देसाई जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के सांसद। अनिल देसाई जी, दिखाइए अनिल देसाई जी को, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, चलिए तब उनके पास जाएंगे। आपके साथ हुसैन साहब शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि हम संसद की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यही मिसाल चलती रहेगी, कार्रवाई जरूरी है, जैसा सभापति ने भी कहा। क्या है आपका जवाब, और ये हंगामा कब तक चलेगा सर? ने कार्रवाई किसने किया? सरकार आपकी, राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन आपका, बोलने नहीं देंगे आप, हंगामा करवाएंगे आप, बाहर सी पता नहीं कहां सी लाके मार्शल्स करके बोल के 100-150 लोग के वहां पे खड़ा करेंगे। जनरल इंश्योरेंस बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस नहीं होगा, उस दिन का जो बिजनेस था राज्यसभा में उसमें लिस्टेड नहीं होगा। आप जब लिस्टेड नहीं होता वो बिल लेके आ रहे हैं तो मार्शल 100-150 मार्शल को क्यों लेके आए थे आप? आप प्रोवोक करेंगे, आप उसके बाद बोलेंगे कमेटी आपने गठित की, आप जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं उनको बुलाएंगे नहीं, उनको अपने डिफेंस में बोलने का मौका नहीं देंगे। आप एक तरफा जो है सस्पेंशन कर देंगे, और वो भी उस दिन जिस दिन आप 3 काले कानून को वापस ले रहे थे। आप चाह रहे थे कि देश भर में, क्योंकि आप रिपील करने जा रहे हैं और कोई डिस्कशन लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं करवा रहे थे, आप चाह रहे थे किसी भी चैनल्स पे भी डिस्कशन ना हो, अटेंशन डाइवर्ट हो, तो 12 सांसदों को आप सस्पेंड कर दो। मतलब क्या तरीका है? यही गरिमा है राज्यसभा लोकसभा का, यही गरिमा है संसद का, यही गरिमा है हमारे पार्लियामेंट का, जो 75 साल से हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारा पार्लियामेंट है। इस तरह से आप चलाते हैं देश को माफी, सरकार को देश को माफी मांगना पड़ेगा। आप जनहित के जो इश्यूज लगातार, हम रूल ऑफ द हाउस 267 के तहत लगातार हर दिन 12 सांसद जो लगातार ये उठाना चाह रहे थे, नोटिस पे नोटिस दे रहे थे, आप उनको बोलने नहीं दिया, आप उस उन मुद्दों को डिस्कस करने नहीं दिया। ठीक है, जवाब दीजिए जीवेल साहब, बहस करने नहीं दिए, आपको माफी मांगना पड़ेगा। जीवेल साहब, झुकेगी सरकार? वो कह रहे हैं माफी आपको मांगना पड़ेगा, वो नहीं मांगेंगे। देश की जनता अंजना जी, देश की जनता देखा है, देश की जनता लगातार देख रही है जिस प्रकार विपक्ष संसद को बाधित करके, कानून पारित ना हो करके, जिस प्रकार वो देश को नुकसान करना चाह रहे हैं, जिस प्रकार राष्ट्र हित को ये हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। उनका एक षड्यंत्र है केवल एक किसी न किसी मुद्दे को वहां उठाकर संसद को बाधित करो, संसद में बिल पारित ना होने दो, और उससे देश का नुकसान हो, जिससे भाजपा का नुकसान हो, ये इनकी षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र को हमने होने नहीं दिया। वो पूरा आपको यदि इस इंश्योरेंस बिल से आपत्ति थी, हाँ नहीं, वो कह रहे कि आप 150 मार्शल्स लेके क्यों आए? लोकतंत्र की हत्या पहुंच गई है ना, जो हमने मानसून सत्र में भी की थी। वो कह रहे इतने मार्शल्स कहां से लेकर आया, क्यों लेकर आए, वो ये कह रहे। देखिए नो, क्योंकि आप हमला बोल रहे थे, आपको अधिकार नहीं था। इसी देखिए, जो रूल की दुआ दे रहे हैं, मैं आपको रूल
रूल पढ़कर सुनाना चाहता हूं, एक मिनट का समय दीजिए अंजना जी, बहुत जरूरी है देश की जनता को हम ये जानकारी दें। सुनाइएगा एक बार, बताइए आप उस दिन थे वहां पर? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल था उस दिन था। क्या हुआ था, क्या हुआ था? जितने भी आए हमारे साथ, अनिल देसाई जी भी आए हैं, सबका वर्जन सुनाएंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि 150 हाउस में ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज को हरास करना शुरू किया, ये कह रहे हैं वो। ये बिल्कुल बड़ी, इससे बड़ी झूठ नहीं हो सकती है। देश के पूरे देश के जनता ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है, आपने भी दिखाया, कल भी दिखाया। पूरा क्यों नहीं दिखाते देश को? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि विपक्षी दल केवल वेल में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे और संसद वहां सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों पर हमला बोल रहे थे। मैं जवाब लूंगी अंजना जी, इस प्रकार ये इस कम से कम टेलीविजन पर, टेलीविजन पर हम कम से कम अपने बात को साफ साफ रखे। कोई आज ऐसा कोई दिन भी आ गया सर, सोचिए भारतीय लोकतंत्र में के स्टाफ पर ये हमला बोल रहे हैं। संसद के मुकाबले टीवी से अब आप लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि संसद में तो नहीं, कम से कम टीवी पर चर्चा हो। सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों को इन्होंने मारने का काम किया। मैं आपसे लूंगी, कुछ महिला मार्शल्स को, महिला मार्शल्स को उन पर अटैक किया इन लोगों ने। डिप्यूटी चेयरमैन जो चेयरमैन है उनका केवल उल्लंघन नहीं किया, कागज फेंक रहे थे और हर तरह का वायलेंस हिंसा करके आप सदन को नहीं चलने दे रहे थे। आपकी ये षड्यंत्र थी, आप षड्यंत्र को क्या काम हो, इसकी कामयाब होना चाहिए था क्या? देश के नुकसान नहीं होता इससे? आप यदि कानून का विरोध करते हैं, बिल का विरोध करते तो आप अपने सीट पर बैठकर डिविजन मांग सकते थे, इस बिल पर आप भी अपना वक्तव्य रख सकते थे। लेकिन आपने गुंडागर्दी करके देश के संसद को न चलने का आपने साजिश रचा। मैं आपको दो तीन रूल समझाता हूं अंजना जी। रूल 235 शल नॉट इंटरप्ट एनी मेंबर वाइल स्पीकिंग बाय डिसऑर्डरली एक्सप्रेशन और नॉइसेस और इन एनी अदर डिसऑर्डरली मैनर। ये पूरी तरह डिसऑर्डरी फैला रहे थे। शल कीप टू हिज यूजुअल सीट, हर मेंबर का ये दायित्व है, ये रूल है। शल कीप टू हिज सीट वाइल एड्रेसिंग द काउंसिल, ये तो वेल में खड़े हुए थे। शल मेंटेन साइलेंस वाइल दे आर नॉट स्पीकिंग इन द काउंसिल, ये तो शोर शराबा कर रहे थे। शल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स हिस और इंटरप्ट एंड अवॉइड मेकिंग रनिंग कॉमेंट्रीज व्हेन स्पीचेस आर बीइंग मेड इन द काउंसिल, ये सारे के सारे ये नियम पाप कर रहे थे। ये नियम सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर नहीं लग सकता ना, आप भी तो कभी विपक्ष में थे। उल्लंघन करके, एक सेकंड सर, आप लोग भी विपक्ष में थे और तब ये नियम पढ़कर आपने अगर अपने पार्टी के नेताओं को सुना दिया होता तो ये देखिए विपक्ष का चरित्र इस देश में हो गया है यही। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अनिल देसाई जी भी जुड़ गए। अनिल देसाई जी से मुझे मैं लौटूंगी सर, मैं लूंगी आपसे एक बार। अनिल देसाई कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल देसाई जी को दिखाइए। अनिल देसाई जी सीधा सीधा गुंडागर्दी कह रहे हैं इसे नरसिम्हा राव, उनका कहना है जीवीएल साहब का कि अगर इस तरह की परिस्थिति होगी तो फिर सजा भुगतनी होगी। और ये सभापति ने भी कहा इस तरह के व्यवहार को अगर हम बिना पनिशमेंट के जाने देंगे तो हम क्या मिसाल सेट करेंगे। देखिए विपक्ष के सदस्यों ने जो वेल में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, हाँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उस वक्त थी, क्योंकि पूरे सत्र में आपने देखा होगा कि किसानों के बारे में जो प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे थे, वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को वहां पे चर्चा ना होने देना, वहां पे उस तरह की बात सदस्यों द्वारा किसी बात पर, महंगाई हो या किसानों की समस्या हो या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बिल्स के ऊपर हो, मेजर पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर हो या इंश्योरेंस बिल, तो बोन ऑफ कंटेंशन जो अभी चल रहा है, जो आखिरी जब सत्र का आखिरी दिन था उस वक्त जो बिल के बारे में जो बात हुई थी उसमें विपक्ष के साथ के नेताओं के साथ में ये जरूर सरकार की बात हुई थी और ये हमको विपक्ष के नेताओं ने यहाँ हमको बताया गया था कलेक्टिवली कांग्रेस के नेता ने कि अब वो जो बचे हुए कुछ बिल्स है वो होके साइनेडाई हो जाएगा
इंश्योरेंस का बिल आएगा नहीं, इंश्योरेंस के बिल के बारे में पूरे विपक्ष ने एक ही बात कही थी साथ में सभी के, और यूनैनिमस कहते थे हर सदस्य ने कि ये इंश्योरेंस बिल भी रेफर्ड टू सेलेक्ट कमिटी, वहां पे पूरे विस्तार में चर्चा होगी, स्टेक होल्डर्स को लिया जाएगा, उसके बाद में उसके रिपोर्ट देने के बाद में मैं पूरी विस्तार से बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इसकी जो सीरियसनेस है वो। ये बात अलग है कि भाई आप जिस तरह से ये निलंबन कर दिया या सस्पेंशन का ये मामला आया है, अब पूरा बखेड़ा या दिखाने के दोनों बातें रखी जा रही है, लेकिन ये बात सोचिए ये नहीं लाना था, लेकिन सब बिजनेस कंप्लीट होने के बाद में अचानक से ये बिल इंट्रोड्यूस किया कंसिडरेशन के लिए, और तब विपक्ष ने, ये स्वाभाविक था, अचानक से इस तरह की बात आने पर विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए और वेल के वेल में जाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। जो नरसिम्हन बोल रहे हैं कि आपने जगह छोड़नी नहीं है, ये रूल सभी हमने भी पढ़े हैं, रूल्स पढ़ने से पहले जब हम ये सौगंध लेके वहां पे शपथ लेके आते हैं तो ये पूरा ध्यान सभी सदस्यों का ये रहता है। फिर क्यों तोड़ते हैं सर? सदन की सुनिए, सदन की गरिमा कोई भी खराब या सदन की गरिमा से खेलना खिलवाड़ करना किसी के ध्यान में या किसी के कॉन्शियंस में नहीं रहता है, लेकिन ये बात सुनिए, जब 2013 में इस तरह के पूरे सत्र, आपने विंटर सेशन भी देखा होगा, विपक्ष के द्वारा पूरा ये किया होता, वी वर देयर इन द ऑपोजिशन देन ऑल्सो, और उस वक्त एलओपी जो स्वर्गीय आज अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी तब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इस तरह का वेल में जब इसी तरह का आंदोलन, इसी तरह का धरना, इसी तरह के शोरबाजी होती रहती थी, तब उन्होंने मीडिया में और जाहिर तरीके से, नरसिम्हन खुद चेक भी कर सकते कि ये लोकतंत्र में एक अपना अस्त्र भी है, लोकतंत्र का एक आयुध भी है, लोकतंत्र का एक वेपन भी है, कि आप अगर सरकार के पास जो समस्याएं रख रहे हैं, लोगों की आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो भी आपको प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसमें अगर सरकार नहीं मानती तो यू कैन गो टू वेल। अनिल देसाई जी, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जिसके बाद मैं आगे जाऊंगी अन्य लोगों के पास। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप बार बार अरुण जेटली, सुषमा स्वराज सभी ने, दिवंगत है, उन्होंने कहा था कि इट इज अ लेजिटिमेट टूल ऑफ फॉर द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इट्स ऑन रिकॉर्ड। लेकिन क्या आप उनकी बात को लकीर मानकर उनका अनुसरण कर रहे थे? दूसरा सवाल कि क्या उन्होंने किया इसलिए आपका करना सही माना जाए? जो पनिशमेंट उन्होंने क्वांटम पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया है उस पर सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यवहार को जो वीडियो पूरा देश देख रहा है, इसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं देसाई साहब? देखिए, जिस तरह से अभी नासिर जी ने जो बात रखी है कि आप पूरा सिलेक्टिव, अगर क्लिप्स आप क्लिपिंग्स दिखाएंगे, सिलेक्टिव पोर्शन आप दिखाएंगे और उसी को लेके आप उसको पूरे विस्तार के साथ में एक स्टोरी बना के रखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा अखिलेश जी वीडियो बना रहे थे ना, सुनिए अखिलेश जी ने वीडियो बनाया ना, ठीक है, पूरा जवाब ले लीजिए, पूरा जवाब दे, आपने क्वेश्चन किया है, मैं आपको जवाब देता हूँ। जब आपने देखा होगा कि ये पूरा एरे ऑफ पूरा जो मार्शल्स का ये था, उसमें महिलाएं भी थी, महिला राज्यसभा के सदस्य थे, और वहां पे उनकी तादाद इतनी बड़ी थी कि वहां पे मूवमेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको मूवमेंट करना भी मुश्किल था, दे वर कंप्लीटली रिस्ट्रेंड। और वहां पे आपने देखा बाकी सब बातें जिस तरह से आप उसको हाईलाइट करके जो ये करना चाहती है वो कि ये देखिए ये इंसिडेंट का या इन चीजों का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन ये किस लिए हुआ, किस किसके ज्यादा ये करने से ज्यादती की कहाँ पे हुई, किससे हुई, सरकार से हुई या इसके ये आगे नहीं होगा, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए लोगों के लिए। ठीक है जीवेल साहब, जवाब दीजिए। और ये भी बताएं, कल भी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि मेरा और अनिल देसाई का नाम तो वहां पर चेयरमैन ने लिया तक नहीं था, एक बार नहीं लिया था, फिर भी उन दोनों पर कार्रवाई हुई है। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। उनका नाम अगस्त 11 पार्लियामेंट के बुलेटिन में, उसी दिन हर दिन शाम को या देर शाम को बुलेटिन पब्लिश होता है राज्यसभा में। मैंने खुद चेक किया राज्यसभा के बुलेटिन, अगस्त 12 में इनका नाम है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं तो हमारा नाम नहीं है, मेरे पास एविडेंस है और राज्यसभा रिकॉर्ड में है। तो इसलिए गुमराह करके कोई अपने आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। सारी कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही, एक एक शब्द जो बोला जाता है हर रिकॉर्ड पर है,
इनका नाम बकायदा बुलेटिन में भी मेंशन है, हाउस में भी लिया गया। और जहां तक इनकी दलील है, पहले बीजेपी ने भी किया है, बीजेपी के नेता भी। बिल्कुल, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, आप जब करते थे तो ठीक था, अब ये कर रहे हैं तो इनको आप सीधा सस्पेंड कर रहे हैं पूरे सत्र के लिए। नहीं देखिए, विरोध जताना, डिसेंट, मतभेद रखना और हिंसा करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमारे कार्यकाल में, हमारे हम जब विपक्ष में थे या किसी भी दल अतीत में जब विपक्ष में थे, किसी ने भी मार्शल्स पर अटैक नहीं किया है। जो इस पिछले सत्र में हुआ है, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, संसद के इतिहास में नहीं हुआ है। तो इसलिए इनको किसी बयान से कंपेयर करना, अपने आप को सेव करने के लिए इनकी एक चालाक है, बिल्कुल ये हिंसा। इस देश की संसद ने तो नोटों को भी उड़ते हुए देखा है, लेना बिल्कुल जरूरी, सदन में नोट उड़ाते हुए भी देखा है इस देश की संसद में, तो किस तरह की हिंसा सही, किस तरह की हिंसा, आप जानते हैं। उस पर उस समय इंक्वायरी कमिटी बैठाई गई। एक बार हुसैन साहब से एक जवाब लेके विजय जी, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज चार सांसद हमारे साथ हैं कि करके मानो। नासिर साहब, अखिलेश प्रताप सिंह जी पर आरोप है कि उन्होंने वीडियो बनाया था, आगे का कुछ वीडियो है क्या उनके पास? अगर उन लोगों के पास वीडियो है तो आप लोग दिखाइए, क्योंकि जो हिस्सा इसमें दिख रहा है उसमें हाथापाई दिख रही है, और जो है मीडिया के पास हम लोग वो सारा दिखा रहे हैं। अंजना जी, पहले तो मैं जो जीवीएल जी ने वो बोला कि कॉन्स्पिरेसी कर रही है अपोजिशन, मैं उसमें षड्यंत्र करना चाह रही हूँ, उसमें 30 सेकंड बोल के फिर आपका जवाब दूंगा। जो 14 महीने से, जो 12-13 महीने उस टाइम हुए थे, 12-13 महीने से जो किसान हिंदुस्तान भर में जो हड़ताल कर रहे थे, हिंदुस्तान भर में जो एक आंदोलन चला रहे थे, उसका बहस हम चाह रहे थे, उसकी चर्चा चाह रहे थे। ये क्या षड्यंत्र है? 3 किसान बिल वापस लेने कह रहे थे, ये षड्यंत्र है? गलवान क्राइसिस, जो चाइनीज इंट्रूजन हुआ है, जो हमारे यहाँ 2 गांव बसा रखे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा चाह रहे थे, ये षड्यंत्र है? पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करने की हम बात कर रहे थे, उस पर चर्चा चाह रहे थे, ये षड्यंत्र है? और जो एसेंशियल कमोडिटीज पे की जो प्राइस राइज की जो बात करना चाह रहे थे, वो क्या षड्यंत्र है? पेगासिस, आपका भी फोन जो है स्नूपिंग हो रहा था, मेरा भी हो रहा था, सबका हो रहा था, ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिबर्टी का मामला है, उसकी चर्चा हम चाह रहे थे, हम उसमें इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, ये षड्यंत्र है? इसको षड्यंत्र कहते हैं? अगर हम संसद में जाकर अगर हम ये मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे, फिर क्या वहां पे मुद्दे उठाएंगे? कौन से मुद्दे उठाएंगे? ये जो कहना कि अपोजिशन षड्यंत्र करे, जैसे कि आप ही की अकेली सरकार है, इससे पहले कोई सरकारें नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी जब सवाल नहीं करती थी सरकार से, अरे भाई आप भी सवाल करते थे, हम भी सवाल कर रहे हैं, आप भी लोगों के मुद्दे उठाना चाह रहे थे, हम भी लोगों के मुद्दे उठाना चाह रहे, और हम रूल 267 के तहत हर दिन 1-1 डजन MPs जो है नोटिस पे नोटिस दे रहे थे। हम ऐसे थोड़ी कि इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज पूछ रहे थे, हम लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली और हमारा जो राइट है और जो रूल है हाउस का 267 के तहत पूछ रहे थे। 1 MP 2 MP नहीं, 1-1 डजन MP पूछ रहे थे। आप बात करने नहीं देंगे, बहस नहीं करवाएंगे, आप षड्यंत्र कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, क्या हम षड्यंत्र कर रहे थे? ठीक है, विजय कुमार जी को, और आपके जवाब का, और आपके जवाब का मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा भाई आप वीडियो आपके पास है, मतलब आपके मतलब सरकार के पास, आप पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरा का जो प्रोसीडिंग्स है पूरा, वो आप क्यों नहीं आप पब्लिक करते? सेलेक्टिवली क्यों आप लीक करना चाह रहे हैं? अगर आप जो बिल लिस्टेड नहीं है उस बिल को लाने के, क्योंकि आपको पता था कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलती वहां पे कर रहे हैं, इसीलिए आप पहले से मार्शल्स को लाके खड़ा कर दिए। ठीक है, एक मिनट, फूलो देवी नेतम और छाया वर्मा जी, ये 2 महिला MPs को जो इंजर्ड हुए थे, जिनका रिकॉर्ड पार्लियामेंट एनेक्सी के हॉस्पिटल में है, जो रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में वो अपने गांव में हॉस्पिटल में करवाए हैं, तो वो कौन किए थे उनको इंजर्ड? कौन उनको धक्का? विजय कुमार जी, किसकी गलती है? विपक्ष कह रहा है आवाज सबका दबा रही है सरकार। जीवीएल साहब, इसके बाद दूंगी, विजय जी एक बार बोले। विजय जी, क्या ये सस्पेंशन सही है? नमस्कार करना चाहता हूँ अंजना जी। जी नमस्कार सर। ये बताए विपक्ष करे कि हमारी आवाज को दबाया जा, तो वो कहाँ अपनी आवाज को रखना चाहते हैं? ठीक है, प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं, जब संसद में नहीं रखना चाह रहे हैं, बाहर भी नहीं आ रहे हैं, ये रखना कहाँ चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर रखे, जहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं, और अपनी बात को संसद में नहीं रखेंगे? जबकि माननीय आपका जो अध्यक्ष जी है लगातार आग्रह करते रहे
आप अपनी बात को रखे, हम चर्चा के लिए तैयार है। तो क्यों नहीं तैयार हुए इन लोग? इन लोग का ये है कि हम सिर्फ रोड पर हंगामा करें और संसद में हंगामा करें। तो जब संसद में हंगामा कीजिएगा, रोड पर भी हंगामा कीजिएगा, तो चुनाव जीतकर आते हैं और आप पब्लिक को ठगने का काम करते हैं। आप का कौन सा काम होगा? हम लोग चुनाव जीतकर गए हैं, ढाई साल लगभग हो गया है, आप हम लोग को एक भी काम इन लोग नहीं होने दे रहे। हम अपनी समस्या, जनता की समस्या कहाँ रखे? कौन सा प्लेटफॉर्म पर रखे? काम रोक रहे हैं नासिर साहब, आप लोग काम रोक रहे हैं। मैं अभी जब से दो टाइम आपको बता चुका हूँ कि हम बहस अपोजिशन चाह रही है, अपोजिशन ने नोटिसेस दी है, रूल 267 के तहत हर दिन नोटिस गई है। हम बहस चाह रहे थे और सरकार बहस नहीं करने चाह दे रही है। क्या आप मतलब अपोजिशन नहीं बात करना चाह रही? भाई अपोजिशन तो नोटिस पे नोटिस दे रही है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड। सरकार उसको जो है नकार रही है, सरकार बात करने नहीं दे रही है। जीवेल साहब ठीक है, ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगी। जीवेल साहब वो कह रहे हैं नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, तो सरकार है जो कामकाज नहीं चाहती है, चर्चा नहीं चाहती है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। विरोध के इस खेल में कौन पास कौन फेल ये तो तय होता रहेगा, लेकिन एक बात तय है और वो ये कि देश की संसद इस वजह से ठप है, समझौते की सूरत नहीं बन रही, दोनों तरफ से माफी की मांग अब की जा रही है। माफी के इस खेल में देश का कामकाज ठप है। जल्दी से हुसैन साहब को दिखाई, जरा हुसैन साहब इसका जवाब दीजिए। कामकाज ठप है सर, जनता का क्या कसूर है इसमें? नहीं, बिल्कुल कामकाज करना चाह रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल कामकाज करना चाह रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि देश के जितने मुद्दे हैं, देश के लोगों से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो। अगर पार्लियामेंट जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां पे भी अगर चर्चा नहीं हो सकती तो कहां जाके चर्चा करें? अगर बिना चर्चा करें 11 मिनट 10 मिनट के अवसर पर एक एक बिल आप पास करने की कोशिश करें और पास किए भी हैं, तो फिर आप चर्चा कहां से होगी? बिना बहस बिना चर्चा आप बिल पे बिल पास करना चाह रहे हैं, इसका बिना मतलब चर्चा जो है, बिना बहस आप बिल पास करते हैं, मिनटों में बिल को पास कर देते हैं, ध्वनि मत से लाते हैं, ध्वनि मत से ले जाते हैं। जीवीएल साहब ऐसे और ये तीन काले कानून भी तो ध्वनि मत से ही गए थे, इसके बाद 14 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। ठीक है जीवीएल साहब। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो उनका जो कार्रवाई, उनका जो काम करने का तरीका था, जैसा उन्होंने काम किया, जनता भूल चुकी है। जनता तो भूली होगी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड सब कुछ रहता है। 15th कांग्रेस के कार्यकाल में बिल्स जो पास पारित किए गए 2004 से 2009, 14% ऑफ द बिल्स, केवल 14% ऑफ द बिल्स में 3 घंटे की चर्चा हुआ है, और यूपीए 2 में केवल 22% बिल पर 3 घंटे की चर्चा हुआ है, और हमारे सरकार के रहते हुए 16th लोकसभा में 2014 से 19 तक 32%, तो मतलब उनसे कम से कम दुगना या 3 गुना ज्यादा समय हमने हर बिल पर चर्चा जवाब करने का काम किया है। पिछले सत्र में आपके साजिश को, षड्यंत्र को हमने कामयाब होने नहीं दिया। और सुन लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे, सारे जो पॉइंट कहे मैं उनका आंसर देता हूँ। तो इंश्योरेंस बिल में ये कह रहे थे, इंश्योरेंस बिल को क्यों सर? इंश्योरेंस बिल इतनी छोटी बिल है, केवल एक संशोधन है उस बिल में, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 49 से 74% करने का, इसमें कौन सा कमिटी में भेज के कौन सा डिस्कशन करना है? हमारी सरकार की ये नीति है, हमारी सरकार की ये नीति है, हम आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आप हमसे हमारी नीति से क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बीमा बिल को 75% मनाने के लिए नहीं, जनता ने हमको चुनाकर इसलिए भेजा है। नहीं नहीं अंजना जी प्लीज बोलिए थोड़ा, ये सभा नहीं है, पार्लियामेंट में हम शोर शराबा कर रहे हैं, कम से कम यहाँ शांति से हम बात करें। तो इतनी छोटी संशोधन के लिए हम क्या 2 साल लटकाएं इसको? क्या मोदी जी बार बार ये बात नहीं कहते हैं? कांग्रेस के सरकारों ने, कांग्रेस के पार्टी ने लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम किया है, आज विपक्ष में बैठकर भी यही काम करना चाहती है, हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना आज बड़ी बड़ी दावे कर रही है। हो गया तो जवाब दूंगा मैं, ठीक है पूरा कर लीजिए। जीवीएल साहब का एक पॉइंट रह गया, जीवीएल साहब एक पॉइंट और है, बोल लीजिए। अच्छा बात है सर, सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों का संसद से भरोसा उठ गया है, बहस पर आप लोगों को लग रहा है टीवी पे कम से कम बात हो पाएगी। बोलिए बोलिए जीवीएल साहब। हाँ जी बिल्कुल, षड्यंत्र देखिए, पेगासस के अलावा
आपने किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं थे। आप यहां आकर के बहुत लंबी लिस्ट बता रहे हैं, हम सब पे चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन आप पेगासस जो जिस प्रकार संसद सत्र शुरू होने के केवल एक दिन पहले उसका खुलासा होता है, और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पेगासस के अलावा इस देश में कोई समस्या ही नहीं है, और आप मंत्री को राज्यसभा में पूरे स्टेटमेंट पढ़ने नहीं देते हैं, उनके हाथों से अश्विनी जी के हाथों से अपने पेपर छीनने का काम किया है, स्टेटमेंट उनको पढ़ने नहीं दिया है, कौन सी चर्चा की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। आप उनसे सवाल पूछ सकते थे, क्लैरिफिकेशन मांग सकते थे, चलिए टेलीविजन चैनल पे बैठ के झूठ पे झूठ बोलिए मत। आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, कितने मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा मांगी है, कितने मुद्दों पे कौन से सांसद नोटिस दिए हैं 267 के तहत। मैं चैलेंज करता हूँ, आप निकालिए लिस्ट, आप देश को लिस्ट बताइए। आपके पास रिकॉर्ड पे है, ये आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। और दूसरी बात जो है, आप दूसरी बात, इंश्योरेंस बिल आपने लिस्ट की थी, बिजनेस ऑफ द डे में इंश्योरेंस बिल लिस्ट की थी, झूठ आप बोल रहे हैं। अगर आपको आपको लिस्ट की थी, अगर आप लिस्ट नहीं किए थे तो आप डर नहीं रहे थे तो मार्शल्स को क्यों लेके आए थे? अगर आप लिस्ट नहीं किए थे और डर नहीं रहे थे तो मार्शल को क्यों लेके आए थे? और आप प्राइवेटाइजेशन 75% में जहां पे लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है, वो छोटी बात है? अब पूरे देश को बेच देंगे, रेल तो बेच दिए, स्टील तो बेच दिए, विमान तो बेच दिए, एयरपोर्ट तो बेच दिए, डिफेंस प्रोडक्शन में जो है प्राइवेटाइजेशन लेके आ गए, आप इंश्योरेंस भी बेच देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। 75 साल से हम लोगों ने जो बनाया था वो आप 6 साल में बेचने का काम किए, बेचने का, और हम ये होने नहीं देंगे। याद रखना जी, सुन लीजिए। हाँ, हमारे सरकार की जो भी नीति रही होगी प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी, हमारी जो सोच है ये देश के लिए है, पैसा देश के खाते में जाता है, कांग्रेस के परिवार के खाते में नहीं जाता है। हमारे यहाँ कोई किसी को हमारे भ्रष्टाचार आपने जो कुछ किया है, एक परिवार के हित के लिए किया है, आप जो सौदेबाजी किया आपने, आपने बोपोर से लेकर जीप स्कैंडल से लेकर बोपोर से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर आपने हर वित्त में, हर में हमने भी देखा, जैसे आप हर डिफेंस सौदा में, हर रक्षा सौदा में आपने सौदाबाजी करने का, कमीशन लेने का काम किया है। हम आपकी तरह काम नहीं करते हैं, देश हित में काम करते हैं, देश हित में पैसे खाते हैं, देश हित में अदानी अंबानी को बेच देते हैं, देश को जितना 75 साल के देश की मेहनत कश जनता जो बनाई 75 साल में, वो पूरे नहीं चलता रहेगा क्या? बेचते हैं आप लोगों की, सांसदों की बहस सिर्फ टीवी पर हल्ला बोल में होगी? ठीक है, आवाज दीजिए एक सेकंड। ठीक है जी, वेल सवार विजय जी, अब सांसदों की बहस सिर्फ टीवी पे होगी हल्ला बोल में, या संसद में कोई तरीका निकलेगा? पूछना चाहते हैं उनके जो नेता है, तो जिनसे नेतृत्व लोग रह रहे हैं, उनको भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा एनडीए के नेता से, और जो शालीनता से इनको काम करना चाहिए, जैसे अभी एनडीए की सरकार में जो काम हो रही है, शालीनता से इनको को सीखना चाहिए, पेपर को फाड़ते रहे, इनका जो बात कर रहे हैं कि हम आप लोग कभी पेपर नहीं फाड़े सर, इनको रिकॉर्ड को देखा जाए, रिकॉर्ड की जो कार्रवाई है उसको वीडियो मंगाया जाए, और उसमें देखा जाए कि इनका जो क्या चरित्र रहा है, चरित्र इनका उजागर हुआ है, कहना कुछ है और करना कुछ है। ठीक है, हुसैन साहब हाथ उठा रहे जवाब देने, होना चाहिए कि काम नहीं तो बेहतर नहीं, काम नहीं तो ये नियम लाइए ना फिर। अरे सर, ये नियम लाइए ना फिर, ये तो आपको जीवीएल साहब को बोलना होगा, लाइए ना नियम, काम नहीं तो वेतन नहीं, होना चाहिए, इतने माननीय बैठे हुए हैं, काम नहीं तो वेतन नहीं। यहाँ पर हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे छुट्टी ले लें, आए शोर शराबा करें, घर चले जाएं। हुसैन साहब, एक सेकंड, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज जो जेडीयू के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं एमपी साहब, उनके भी नेता पेगासस में इंक्वायरी की मांग की थी। नहीं, मांग करना तो ठीक है सर, मांग कीजिए ना, मांग और विरोध का कई तरीका है, पर पार्लियामेंट में काम तो होने दीजिए। हम भी तो इंक्वायरी की मांग ही कर रहे थे, हम भी तो इंक्वायरी की मांग कर रहे थे ना, नो बात नो पेमेंट क्यों नहीं करते? अरे भाई, आप भी तो मांग रहे थे इंक्वायरी,
आप भी तो हल्ला कर रहे थे, आपके नेता भी ऑन रिकॉर्ड बोले हैं पेगासस पे इंक्वायरी होना है। काम क्यों नहीं करते हैं, चर्चा में क्यों नहीं आते हैं? हुसैन साहब बिल्कुल हम आते हैं चर्चा में, काम नहीं तो वेतन नहीं क्यों नहीं होना चाहिए? हुसैन साहब सरकार चर्चा करने दे रही है। हुसैन साहब काम नहीं तो वेतन नहीं, ऐसा नियम क्यों नहीं बनना चाहिए? आप आज संसद के सामने आप बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहा है पीछे राष्ट्रपति भवन, जो आप निकलिए, आप 10 लोगों से पूछिए वो यही बोलेंगे। नियम जो नियम होगा वो सबके लिए लागू होगा, जो भी नियम आएगा वो हर पार्टी के हर सदस्य को, हर पार्लियामेंट मेंबर को जो है वो लागू होगा, वो जब आएगा तो आएगा, उसके तहत तो काम करना पड़ेगा। काम नहीं तो वेतन नहीं आपको लाना है ना, अगर लाना है तो लाइए। कहाँ रखेंगे, किस प्लेटफॉर्म पर अपने बात को रखेंगे, कौन सुनेगा, किसको सुनाएंगे? तो हम तो सदन में ही बात को रखेंगे। आप सरकार के साथ में है, लाइए नियम, लाइए लाइए नियम, आप लाइए ना नियम, लाइए ना। हम लोग कानून बनाता हंगामा करते हैं, तो हम पहले सेन साहब तैयार है, लाइए आप लोग नियम। जीवीएल साहब नहीं, आप लाइए ना नियम तो लाइए, आपने अपने सरकार से बोलिए। अंजना जी मैं नहीं तो वेतन नहीं, ये क्यों नहीं होना चाहिए सर, मुझे बताइए। जीवीएल साहब काम नहीं तो वेतन नहीं, काम नहीं है तो वेतन नहीं, ये बिल्कुल एक बहुत ही जायज और होने वाली काम है, कराने करने वाली काम है। बट लेकिन मैं ये लेकिन शब्द जोड़ रहा हूं, जो बाधित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी सैलरी और उनकी अलाउंसेस काटा जाए, जो आकर के सदन चलाना चाहते हैं उन पे क्यों होना चाहिए? सदन तो मान लीजिए क्लास में दो बच्चे या चार बच्चे शोर शराबा करते हैं, उसलिए पूरे क्लास को हम पूरे क्लास को पढ़ने नहीं देंगे, पूरे क्लास को एग्जाम नहीं लेने देंगे? ये कहाँ की नहीं, कहाँ की न्याय होगा? जो लोग संसद को बाधित कर, मान लीजिए यहाँ जो चेयरमैन है हाउस में, उनकी अथॉरिटी पर हाउस चलती है, जब उन्होंने चेयरमैन ने रूलिंग दिया है, आपकी रूल 267 हो, जो भी हो, जो भी अपोजिशन मान करेगा नहीं हो सकती, रूलिंग दे दो आपको मानना पड़ेगा एकदम साफ। यदि आप नहीं मानते हैं मनमानी के कारण आप पर इस प्रकार की पेनल्टी आप पर लगनी चाहिए। आप जो संसद को बाधित कर रहे हैं उन पर पेनल्टी पड़नी चाहिए। ये मैं इस बात संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है जीवीएल साहब? संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है जीवीएल साहब? काम नहीं तो वेतन नहीं, ये सब नियम ला तरीका तो सोचना पड़ेगा ना। हर बार बैठ के हम लोग यही करेंगे, आज तीसरा दिन है, हर सत्र में यही होता है, संसद नहीं चल रहा, इतने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं टैक्स पेयर के, वही घूम घूम के उस पर पॉलिटिक्स। आप कहते हैं देखो विपक्ष ये कर रहा है, वो कहते हैं देखो सरकार ऑटोक्रेटिक है। आम लोगों का क्या, किसकी जिम्मेदारी है संसद चलाने की सर? नहीं आम लोगों के केवल नहीं अंजना जी, आम लोगों के नुकसान केवल इससे नहीं हो रहा है। स्पिरिट ऑफ दिस सजेशन बिल्कुल मैं इसके साथ हूं, बट लेकिन केवल सैलरी न देने से, अलाउंसेस न पे करने से देश का नुकसान नहीं घटेगा। असली नुकसान इससे होता है जब संसद में जनता की समस्याओं के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, देश का नुकसान होता है। संसद में कानून पारित। आप सभी माननीय सांसदों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में जुड़ने के लिए, लेकिन संसद का मान तभी रहेगा जब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, जिसके लिए जनता ने चुनकर आपको वहां बिठाया है वो काम हो सके, तभी देश आगे बढ़ेगा। हल्ला बोल में हम एक बहस के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।